जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, कर्मों की बात बहुत सारे लोग कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आज आपको राशिफल के साथ साथ पंचांग के साथ साथ आपको बताने वाली हूँ कि ज्योतिष से कैसे जाने आपके कर्मों का लेखा जोखा। जी हाँ, जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। गीता का उपदेश भी कर्म के महत्व को समझाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे जीवन की आधारशिला बनते हैं और हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं का कारण बनते हैं। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों में किए गए कर्म व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते और अपनी प्रकृति के अनुसार फल दिलवा देते हैं। जो भी कार्य हम जो करते हैं या जो नहीं करते, हमारे कर्म बन जाते हैं। आवश्यक होने पर कोई कार्य न करना हमारा अकर्म होता है और जानबूझकर या अनजाने में किए जाने वाले हर कार्य हमारा कर्म होता है। अब कर्म अच्छा है या बुरा यह जानना इतना आसान नहीं है, फिर भी कुछ बातों से इस बात का अंदाजा हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं जीवन में कष्ट आते हैं, चाहे वह संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, नौकरी व्यापार को लेकर हो, या फिर खर्चों का लेकर हो, कुछ भी समस्या आती है, तो ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। आपको कैसे पता करना है कि कर्मों का फल क्या है, कैसे कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे, कुछ है खास बातें जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगी। ज्योतिष के अनुसार कैसे जाने कर्मों का लेखा जोखा, ये जानकारी वीडियो के आखिर में मिलेगी। और आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और ऐसे ही सवालों के अगर जवाब चाहते हैं, जो जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचे, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां फटाफट कमेंट कीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। सभी को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वीडियो के माध्यम से ऐसा एक सवाल चुनूं जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, उनके जीवन में एक बदलाव आ सके। तो आज ये कर्मों की बात बहुत सारे लोग कहते हैं, कर्मा कर्मा बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इसीलिए ये सवाल शामिल किया है मैंने और जिसका जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिलने वाला है। पहले जान लेते हैं फटाफट आज का पंचांग, जो स्क्रीन पर भी दिखेगा आपको। तारीख है 5, दिन है मंगलवार, माह है अश्विन, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें चतुर्दशी है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जिसकी जानकारी आगे मैं आपको वीडियो में दूंगी। चंद्र राशि आज है सिंह, वहीं बात करें दिशा शूल की वह उत्तर, चंद्रबल की बात की जाए तो मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:45 से दोपहर के 12:33 तक है। राहु काल की बात की जाए अशुभ समय की, तो शाम को 3:06 से 4:34 तक है। सूर्योदय प्रातः 6:15 पर, तो सूर्यास्त शाम को 6:03 पर। ये पूरी पंचांग की जानकारी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज प्रभावी है। आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर दिन आपको नक्षत्र के बारे में जानकारी देती हूँ जो नक्षत्र प्रभावी होता है। तो आज प्रभावी है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ मंच या दीवान या तख्त के पिछले दो पाए हैं, जैसे पूर्वा फाल्गुनी में आगे के दो पाए थे, इसमें पीछे के दो पाए हैं। इस नक्षत्र में बहुत सी बातें पूर्वा फाल्गुनी से मिलती जुलती हैं। विश्राम, ताजगी और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास उत्तरा फाल्गुनी का गुण होता है। फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी को इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंग हो जाए या बहुत स्लो काम करने लगे, तो हम लोग जो है उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। किसी भी सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करने पर वो फिर से ऊर्जावान होकर स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग सोकर सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इस प्रकार उत्तरा फाल्गुनी का गुण है पुनः काम पर चलने के लिए ऊर्जावान होना। उत्तरा फाल्गुनी के देवता अर्यमा होते हैं, ये सूर्य के भाई हैं। अर्यमा को दया, करुणा, अनुग्रह, कृपा, सहयोग देने वाला देवता माना गया है। यह नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि दोनों को जोड़ने वाला नक्षत्र होता है, इसलिए जिन लोगों की सिंह राशि या कन्या राशि है उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। तो सबसे पहले जानिए कि उत्तरा फाल्गुनी वालों के गुण क्या होते हैं। ये लोग प्रेमी, मिलनसार होते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की कला इनके अंदर होती है। किसी का कष्ट देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, इसीलिए बहुत मददगार होते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आने वाले होते हैं। जैसे दो लोग विवाद कर रहे हों तो उत्तरा फाल्गुनी वाले विवाद को खत्म कराने का पूरा प्रयास करते हैं और अंत में यह प्रयास करते हैं कि दोनों लोग हाथ मिला लें, गले मिले, प्रेम के साथ गिले शिकवे को दूर करें। ये लोग जीवन की ज्यादा चकाचौंध में नहीं फंसते। इनका सीधा सिद्धांत होता है सादा जीवन, उच्च विचार। इन लोगों को पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत पसंद होता है, इसलिए उत्तरा फाल्गुनी वाला व्यक्ति अपने घर में पेड़ पौधे, गार्डन या गमले आदि की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये लोग इमोशनल हठी होते हैं, या यूं कहें कि पूर्वाग्रह जल्दी पाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ का प्रलोभन देकर विश्वासघात करना जो है सही नहीं हो पाता और ये विश्वासघात को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। इस बात पर ये क्रोधित भी हो जाते हैं। ये लोग ब्रांडिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करते हुए जन जन तक पहुंचने, जो है पहुंच बनाने की काबिलियत रखते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उत्तरा फाल्गुनी वाले को, वो जान लीजिए।
ऐसे लोग अपना विरोध नहीं सुन पाते, यदि कहीं इनके विरोध कोई बात हो रही हो तो ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर ये असंतुलित भी हो जाते हैं और कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। इनको अपने पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, साथ ही लव और केयर में अंतर समझना चाहिए। ऐसे लोगों को महिलाओं को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो लोक लाज की हानि हो सकती है। तो ये उत्तरा फाल्गुनी के बारे में जानकारी दी। अब बारी आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। जिन लोगों को अपने बहुत डिटेल्स नहीं पता है वो अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। बाकी अगर इंस्टाग्राम पे है तो फटाफट फॉलो कीजिए, वहां भी आपको मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो लाइफ को आपके इजी बनाते हैं। बाकी अगर जो है आपका आपके कोई सवाल है निजी जीवन से जुड़ा हो तो आप जो है यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता और एक जन के बारे में मैं बात भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए आप ऐसे अपने सवाल जो आपसे सिर्फ जुड़े हुए हैं उसके लिए आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर कभी भी बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंच सकता है वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आने वाले वीडियोस में उसको शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। हर शाम 5 बजे मैं दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूं आपके लिए, तो अगर इसको देखना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। हर दिन आपको बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं राशिफल, तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा तो आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेहत में सुधार चाहते हैं तो अपनी फिटनेस पर आपको ध्यान देना है। जहां तक आर्थिक जीवन का सवाल है तो मन में पैसा कमाने की इच्छा जानने वाली है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट मत अपनाइएगा, इससे क्षणिक लाभ तो मिलेगा लेकिन कारगर नहीं होगा ये। फैमिली लाइफ की बात करें, पारिवारिक जीवन की, तो आज घर के बच्चे आज आपको गर्व का अनुभव कराएंगे, साथ में परिवार के साथ किसी विशेष मांगलिक आयोजन जो है आप हो सकती है जिसकी वजह से काफी खुशी रहेगी घर में। प्रेम जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आज के दिन। लव पार्टनर की कोई बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा लव लाइफ में। कार्य क्षेत्र के लिए दिन जबरदस्त है, जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको। व्यवसाय से संबंधित किसी बड़ी परियोजना में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं बात करें इस राशि के मैरिड लोगों की, तो उत्तम परिणाम मिलेंगे, आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। जो इस राशि के छात्र हैं आज भविष्य के प्रति आशावादी आपको होना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को दिल में मत आने दीजिए। गृहिणियों की आज वह इच्छा पूरी हो सकती है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रही थी। शुभ अंक है आपके लिए आज 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और आज का महा उपाय है कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए, स्वास्थ्य बना रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। हेल्थ के लिए आज से दिन सामान्य रहने वाला है, यानी कि कुछ खास बदलाव नहीं आएंगे। धन को बेकार में खर्च आज मत कीजिए, इसको संभाल कर रखिए, तभी आप इसको जो है आगे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन की कमी को लेकर अगर परेशान है तो उसमें सुधार करने की आपको जरूरत है कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। घर परिवार में आज आपको तनाव की स्थिति देखनी पड़ सकती है, कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिससे परिवार के लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। प्रेम जीवन में कोई खास बदलाव नहीं होगा। बात करते हैं जॉब करने वालों की, तो कार्य क्षेत्र में खासा लाभ पहुंचाएंगे आपके द्वारा बनाए गए नए संपर्क। तो नए किसी भी नए काम या रोजगार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। कारोबारी आज अपने नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। वहीं जो मैरिड लोग हैं आज आपको अपने जीवन साथी का सख्त और रूखा पहलू देखने को मिलने वाला है। जो हमारे छात्र हैं इस राशि के, आज के दिन पढ़ाई करने में आनंद आएगा, आज आप तार्किक विषयों से ज्यादा कलात्मक विषयों में आनंद लेंगे। वहीं गृहिणियां आज घर के कामों को करने में दिन गुजार सकती हैं। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर आज पक्षियों को दाना डालिए, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। सेहत की सबसे पहले बात करें तो शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है आज, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पैसों की बात की जाए तो पैसा आएगा, पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। वहीं फैमिली में भी अच्छे फल मिलेंगे, कोई आर्थिक परेशानी थी घर परिवार में वो दूर हो जाएगी। प्रेम जीवन में आज प्रियतम पर आपको अधिक प्यार आएगा, उनकी ओर से भी आपको अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन भाग दौड़ भरा है। वहीं जो व्यापारी हैं इस राशि के, आज के दिन आप अपने पुराने किसी काम के बारे में सोचकर अपना दिन खराब कर सकते हैं, तो उनसे सबक लीजिए और आगे का टाइम अच्छा बनाइए, ये आपके लिए एक सलाह है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत खास रहेगा, प्यार और रोमांस से भरा दिन है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। जो हमारे छात्र हैं इस राशि के, आज अपने स्वभाव को समझने की जरूरत है, थोड़े नैतिक गुणों का भी विकास कीजिए। ज्ञान जितना भी अर्जित कर लीजिए लेकिन अगर गुण अच्छे नहीं है तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, तो अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास कीजिए। गृहिणियों की बात की जाए तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर आज किसी से घर में बात करेंगी, समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगी। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन किसी गरीब को कुछ पैसे या कुछ खाने की चीजें दान में देनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की बात करें तो आज शारीरिक तौर पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है,
बदलते मौसम की वजह से सेहत को हानि पहुंच सकती है, ध्यान रखिएगा अपना। वहीं बात करें पैसों की, तो आज धन अर्जित करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप अगर इस मौके को पहचान कर इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो आज लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। फैमिली में आज बड़े बुजुर्गों की बात आपको सुनने की ज़रूरत है, यानी घर के बड़े आपको कुछ सलाह मशवरा दे सकते हैं। परिवार की सदस्यों की ज़रूरतों पर ना केवल विशेष ध्यान दीजिए बल्कि वो आपकी आज प्राथमिकता होनी चाहिए। लवर्स की बात कर ली जाए तो प्यार के नज़रिए से दिन काफ़ी आज टेंशन भरा है। अपने प्रेम के रिश्ते को थोड़ा महत्व दीजिए, प्रिय को महत्व दीजिए, साथी को एहसास कराइए कि आप उनका ख्याल रखते हैं। कार्य व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ा चौकन्ना रहते हैं तो नुकसान को टाला जा सकता है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज थोड़ी उदासी हो सकती है आपके जीवन में। आज किसी कारणवश आपकी आपके साथी की कोई योजना जो आप दोनों ने पहले बनाई थी वो विफल हो सकती है। छात्रों की बात की जाए तो आज के दिन किसी पुराने मित्र से बातचीत होगी, दिन आज निम्न फलदायी सिद्ध होगा, मेहनत करने की ज़रूरत है। वहीं गृहिणियों की बात की जाए तो घर के छोटे सदस्यों का ख्याल रखने की आज आपको ज़रूरत है, आज वो बीमार पड़ सकते हैं तो उनका ध्यान रखिए। शुभ अंक है आज, शुभ रंग है काला और नीला। और उपाय के तौर पर आज के दिन किसी साधु संत को कुछ पैसे दान में दीजिए। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है वो तो अपना खास ख्याल रखते ही, साथ ही जो बीमार नहीं है वो भी आज अपना थोड़ा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में कुछ बदलाव होने वाला है। आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं आज। पारिवारिक जीवन से भी आज दिन ठीक ठाक है। पारिवारिक दृष्टिकोण से घर का माहौल थोड़ा पुरानी बातों को लेकर आज गमगीन भी हो सकता है। इस राशि के प्रेमियों को आज व्यवहार पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आज अगर आप थोड़ी सी अपने व्यवहार को कंट्रोल करते हैं तो प्रेम प्रगाढ़ हो सकता है। वहीं जो लोग सिंगल है कोई खास मिल सकता है आपको। जॉब करने वालों की बात की जाए तो आज परिणाम आपके हक में है। कार्य क्षेत्र में बॉस या सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे। वहीं जो हमारे इस राशि के व्यापारी हैं यानी बिजनेसमैन लोग हैं, आज के दिन आपको आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं कहीं से कॉल आ सकती है। वहीं जो इस राशि के मैरिड लोग हैं उनकी बात की जाए तो आज के दिन जो है आप घर वालों को ज़्यादा टाइम देंगे और इसकी कंप्लेंट आज जीवन साथी आपको कर सकता है कि आप उनको समय नहीं देते, यानी समय की कमी को लेकर आज शिकायत आने वाली है। छात्रों की बात की जाए तो समय को आज समझने की ज़रूरत है, समय की नज़ाकत को समझिए। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है तो कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। इस राशि की जो हमारी गृहिणियाँ हैं आज धार्मिक प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। ज़्यादा आप जो है पूजा पाठ में रहेंगी मन की शांति के लिए। धार्मिक स्थल पर भी जाने का कोई प्लान बना सकती हैं, धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, घर में सफ़ेद रंग की चीज़ों का प्रयोग करना है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। पैसों की बात कर लेते हैं तो आज के दिन पैसों के मामले में थोड़ा कमजोर है, खर्चों में वृद्धि होगी। इस राशि के लोगों के पारिवारिक जीवन की बात कर ली जाए, फैमिली की बात कर ली जाए तो आज के दिन घरेलू जीवन में आपको घर में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। किसी रिश्तेदार का आगमन हो सकता है घर में। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आज के दिन अपने लव पार्टनर से कोई भी तल्ख बात ना कहें, नहीं तो कोई बनती बात भी बिगड़ सकती है। इस राशि के जो लोग जॉब करते हैं आज कोई सहकर्मी आपको उसकी बात काफ़ी इंप्रेस कर सकती है। कारोबारी आज अपने कर्मचारी की भलाई के लिए कोई कदम उठाने वाले हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ दिन का उत्तरार्ध काफ़ी अच्छा बीतेगा। रात खास तौर पर अच्छी बीतने वाली है आपकी। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आज कोई अच्छी बात अच्छा ज्ञान आपको कहीं से हासिल हो सकती है। गृहिणियों के लिए आज दिन अच्छा है, बहुत तरीके के व्यंजन बनाएंगी आप और उसका स्वाद भी चखेंगी। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और आज उपाय के तौर पर स्त्रियों की मदद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। काफ़ी दिनों से चल रही आपकी कोई समस्या, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे आज निजात मिल सकती है। वहीं बात करें पैसों की तो आज का दिन निवेश अगर करते हैं तो लाभ हो सकता है आपको, लेकिन निवेश सोच समझ कर कीजिए। परिवार में आज किसी के साथ मन मुटाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या को लेकर थोड़े परेशान नजर आएंगे। वहीं प्रेम जीवन में एक नया मोड आएगा, खूबसूरत मोड आएगा, पार्टनर के साथ खुशनुमा वक्त गुजार पाएंगे आप। कारोबारियों का मूड आज अच्छा रहेगा, बिजनेसमैन लोगों का। कर्मचारियों को खुश करने के लिए आप कोई छोटी मोटी पार्टी दे सकते हैं। वहीं बात करें इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की तो आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो हमारे मैरिड लोग हैं जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे रिश्ता मजबूत होगा। वहीं जो हमारे छात्र हैं इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, आज मन की स्थिति डवाडोल रहेगी, पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में आप बिजी रहेंगे। जो गृहिणियां हैं आज घर के बाहर कहीं घूमने जा सकती हैं। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है आज।
पैसों पर चलते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में आ रही रुकावटें आज दूर हो जाएंगी। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आज आप कुछ नए प्लान्स भी बना सकते हैं। फैमिली में आज घर के लोग आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। अगर आप अपनी भी स्थिति उनसे खुलकर बताते हैं तो आज एक अच्छा आप लोगों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो अपने मन की बातें जो दबा रखी थी आज कह दीजिएगा। जो लवर्स है इस राशि के, आज के दिन आपको अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, थोड़े से और प्रयास करने होंगे। अपने ईगो को आज साइड में रखें, नहीं तो ईगो की वजह से आज क्लैशेस हो सकते हैं आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में। जॉब करने वालों की बात की जाए तो आज बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत रंग लाने वाली है, प्रमोशन के आसार भी हैं। वहीं इस राशि के जो कारोबारी हैं यानी बिजनेसमैन लोग हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार की दिशा में जो प्रयास आप पिछले दिनों से कैर कर रहे थे उसकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई निवेशक मिल जाएगा। जो इस राशि के राइटिंग करते हैं, लेखन में रुचि रखते हैं, उनके आज उनको सम्मान मिलने वाला है। बात करें मैरिड लोगों की तो आज आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच विश्वास की कमी रहेगी और शक का बीज आप दोनों के बीच पनप सकता है। इसको दूर करने की कोशिश कीजिए और सबसे अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन। छात्रों की बात की जाए तो उनके लिए दिन अच्छा है, ज्ञान में आज वृद्धि हो सकती है। वहीं जो गृहिणियां हैं आज घर में किसी की नाराजगी आपको सहनी पड़ेगी। शुभ अंक जानते हैं वो है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको पेड़ पौधों को पानी देना है सुबह सुबह। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की स्थिति आज थोड़ी डवाडोल रह सकती है। स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो भोजन सही से लें, व्यायाम करें। पैसों की बात की जाए तो आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो निवेश करते हैं तो वहाँ अपनी जानकारी इकट्ठी करिए। साथ ही किसी को अगर धन दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। आज पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उसमें आज परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार आपको नहीं करना है। परिवार की शांति भंग हो सकती है, उनके साथ प्यार से पेश आइए चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आज के दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब आ सकते हैं जिनसे बार बार मिलना आपको अच्छा लगे, खास जुड़ाव का अनुभव आप करेंगे। जो लोग सिंगल हैं और जो ऑलरेडी प्यार में हैं, आज पार्टनर के साथ कहीं जाने की योजना बन सकती है, कहीं जा सकते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं आज ऑफिस या विभाग से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी होने वाली है। कारोबारियों के लिए दिन शुभ है, आज मेहनत आपका जो है वो सफल होगा। सकारात्मक परिणाम पाकर आज आप काफ़ी खुश होंगे, शाम के समय पार्टी भी कर सकते हैं। जो मैरिड लोग हैं इस राशि के, कोई आपका पूर्व आयोजित कार्यक्रम पोस्टपोन हो सकता है और इसका कारण होगा जीवन साथी के कार्यक्षेत्र से जुड़ा अनायास ही कोई आने वाला काम, लेकिन निराश ना हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। छात्रों की बात की जाए तो आज रुचि पढ़ाई के प्रति बढ़ेगी। जो हमारी गृहिणियां हैं आज का दिन सामान्य से बेहतर है, बड़ों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज शिव जी की पूजा जरूर कीजिए। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आज आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उससे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे निजात मिलने वाली है। अपनी जीवन शैली में बदलाव अगर लाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं होंगी। योगाभ्यास कीजिए, अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़िए, मानसिक शांति भी बहुत ज़रूरी है। पैसों की बात करें तो सफलता हाथ लगने वाली है, कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, हालांकि ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं जिसे आप दूर ना कर सकें। घर के सदस्यों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाइए, जब आप उनके साथ समय बिताएंगे तो कई उलझनें अपने आप दूर हो जाएंगी। वहीं बात करें लव लाइफ की तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी खराब रहेगी। लव मेट जो है बीते कल में किसी बात को लेकर, जिस बात पर झगड़ा हुआ था उस बात को लेकर आज आपसे फिर से लड़ाई करने वाला है, तो तैयार हो जाइए इसके लिए। मूड को थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं तो खुद को शांत रखिएगा। बॉस की तरफ से आज शाबाशी मिल सकती है जो लोग जॉब करते हैं। वहीं इस राशि के जो व्यापारी हैं, आज के दिन काम का प्रेशर कम करने में आज कोई आपका जो है करीबी जान पहचान वाला आपकी पूरी मदद करेगा। जो मैरिड लोग हैं आज के दिन जो है जीवन साथी के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, जीवन साथी की तरक्की भी आज आपके लिए खुशी का अहम कारण बनेगी। छात्रों को आज कोई जो है अच्छी खबर मिल सकती है। आज गृहिणियों की बात कर ली जाए तो आज खुद को व्यस्त रखने के लिए आप वो चीज़ें करेंगी जो आपको पसंद है, जीवन की गाड़ी आज बड़े आराम से निकल जाएगी। शुभ अंक जान लेते हैं। आज आपके लिए लकी नंबर है 6, लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आपको हल्के रंग की चीजों का प्रयोग करना है। जी हाँ, भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज जो है हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिससे सेहत पर उसका विपरीत असर पड़े। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो है आज का दिन आपके लिए घर परिवार के हिसाब से अच्छा है, पारिवारिक जीवन के हिसाब से। प्रेम में पड़े जातकों को आज लव पार्टनर काफी आज आपके तारीफों के पुल बांधने वाला है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं, कार्य क्षेत्र में प्रगति ही प्रगति मिलेगी। जो व्यापार में व्यापारी हैं, आपके लिए भी दिन बहुत शुभ है, सभी प्रयास जो है आपके आज अच्छे जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनर की कोई सलाह आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज आपका दिन भी काफ़ी सुंदर बीतेगा। इस राशि के जो हमारे छात्र हैं यानी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो आज जो है आपको आपका दिन शानदार रूप से बीतेगा। बस आपको करना क्या है, आज अपने किसी टीचर बड़े के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करनी है। गृहिणियाँ जो है आज आने वाले कल में होने वाले कामों को लेकर थोड़ी चिंतित रहेंगी, किसी तरीके का प्लान बनाएंगी, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, वो है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर आज के दिन तांबे का कड़ा पहनिए, तांबे की कोई चीज़ धारण कीजिए, इससे सेहत अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के प्रति आज बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए, नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें आपके पैसों की, तो आज के दिन कहीं पैसा अगर इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो पैसा आएगा, यानी आज मुनाफा मिलेगा आपको। पारिवारिक जीवन के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, परिवार की याद आ सकती है अगर घर से दूर रहते हैं तो, घर में किसी की सेहत भी खराब हो सकती है। वहीं जिस राशि के प्रेमी जातक हैं, आज के दिन अपने लव पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताइए, तभी आप उनको जान और समझ पाएंगे कि उनके व्यवहार में क्या जो ये परिवर्तन है क्यों आया है। जो लोग जॉब करते हैं, कामकाज के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है, आज दिन थोड़ा तनावपूर्ण है प्रोफेशनल जो है आपके स्तर पे देखा जाए तो। वहीं जो लोग व्यापारी हैं इस राशि के, आज आपका भी तनाव कुछ ज़्यादा बढ़ा रहेगा। बात करें मैरिड लोगों की, तो आज के दिन जो आप पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तनाव थे उसको दूर करने के लिए आज आपको खुद पहल करने की ज़रूरत है। साथ में कहीं बाहर जाइए और कोमलता के साथ उनको समझाइए, ऐसा करने से साथ ही बेहद आसानी से आपकी भावनाओं को समझेगा। छात्रों की बात कर लेते हैं, तो आज के दिन जो है स्टूडेंट्स के लिए दिन कह सकते हैं ओवरऑल आज अच्छा रहेगा, आपका मन पढ़ाई में तो लगेगा, साथ ही आप जटिल चीज़ों पे भी आज ज़्यादा ध्यान देंगे और वो आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगी। गृहिणियों के लिए दिन संतुष्टिदायक है, परिवार में आपकी बातों को आज अहमियत दी जाएगी। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों अभी तक तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, अब बारी है ज्योतिष के अनुसार कैसे जाने कर्मों का लेखा जोखा। जी हाँ, कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म को दर्शाता है। यदि पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और उसका जीवन में अच्छा फल मिलेगा। इसकी विपरीत यदि पंचम भाव का स्वामी नीच का होकर या कमजोर का होकर बैठा है अथवा पंचम भाव में कोई नीच ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की प्रकृति और उससे संबंधित रिश्तों के अनुसार व्यक्ति ने कोई गलत कर्म किया है जिसका फल उसे इस जीवन में भुगतना पड़ेगा। अगला क्या आप कैसे पता करेंगे, शनि ग्रह को कर्म फलदाता कहा जाता है, इसीलिए कुंडली में शनि की स्थिति हमारे कर्मों की ओर इशारा करती है और उनसे मिलने वाले फलों को भी बताती है। कुंडली का दशम भाव भी हमारे कर्म और हमारे व्यवसाय, हमारे मान सम्मान का भाव होता है। जन्म कुंडली में राहु की स्थिति व्यक्ति के को वर्तमान जीवन में किस उद्देश्य के लिए कार्य करना है उन कर्मों की ओर इंगित करती है। यदि दशम भाव का स्वामी उच्च का हो, मजबूत हो या अच्छे वर्ग में हो तो व्यक्ति अच्छे कार्य करने वाला बनता है। इसके अलावा दशम भाव का स्वामी नीच का हो या दुर्बल हो या अच्छे वर्गों में ना हो तो व्यक्ति नीच प्रवृत्ति के कर्म करने वाला हो सकता है। यदि दशम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो तो व्यक्ति दयालु और उदार प्रवृत्ति का होता है और दूसरों की मदद में भी जो है समय देता है। इसके अलावा दशम भाव पर अशुभ ग्रहों का अधिक प्रभाव व्यक्ति को क्रूर और कुत्सित जो है कार्य करने वाला बनाता है। तो ऐसे आप जान सकते हैं ज्योतिष के अनुसार कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, किस अकॉर्डिंग जो है आपके कर्म अच्छे हैं, पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। तो ये ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल के साथ साथ ऐसी ही खास जानकारियाँ। और बेल आइकन अगर प्रेस कर देते हैं, जो बटन है बेल बटन, उसको प्रेस कर देते हैं तो आपको बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, मैं हर दिन आपके साथ जुड़ जाऊंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन पर जब भी वीडियो अपलोड होगा। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई जेनरिक सवाल है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ आपके हर एक कमेंट को और उसी में से आपके ये सवाल जो है ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले शामिल भी करती हूँ। तो जेनरिक सवाल जरूर लिखिए, बाकी कोई निजी जीवन की समस्या है आपकी तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है मैंने, वहाँ क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं और अपने निजी जीवन की समस्याओं को वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इसलिए यहाँ पे हम जेनरिक सवालों को डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। तो मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।